हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो एज 50 फ्यूजन का मोटो एज 50 नियो के साथ। मोटोरोला ने काफी सारे स्मार्टफोन यहां पे लॉन्च कर दिया बैक टू बैक, काफी कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। अंडर 20,000 से लेकर 30,000 के अंदर में काफी सारे स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, हर एक सेगमेंट में यहाँ पे फोन लॉन्च कर दिया है, तो काफी कंफ्यूजन यहाँ पे बढ़ गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। इस वीडियो में मैं एकदम आपको क्लियर करने वाला हूं कि कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके प्राइस की। मोटो एज 50 फ्यूजन आपको 22,000 की रेंज में मिलने वाला है और मोटो एज 50 नियो आपको 23,000 की रेंज में मिलने वाला है कार्ड ऑफर के साथ। बट जो इसका बेस वेरिएंट है मोटो एज 50 नियो में आपको 8 256 GB वाला एक ही वेरिएंट यहां पे मिलने वाला है, बट मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको 8 128 GB और 12 256 GB मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस PLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 144Hz का रिफ्रेश भी यहां मिलने वाला है, बट मोटो एज 50 नियो में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 1.5K वाला PLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यानी कि डिस्प्ले के मामले में मोटो एज 50 नियो आगे निकल जाता है। इसके अलावा HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट आपको मोटो एज 50 नियो में मिलने वाला है। हालांकि YouTube में अभी देखने को मिला, Netflix में अभी देखने को नहीं मिला, बट मोटो एज 50 फ्यूजन में अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसके अलावा आप आउटडोर में भी यूज करते हैं तो मोटो एज 50 नियो में आपको 3000 nits का पीक ब्राइटनेस लेवल, नॉर्मली ये 1400 nits तक जाता है, बट मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको 1600 nits का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। यानी आपको डिस्प्ले बेटर चाहिए, कलर वगैरह अच्छे चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मोटो एज 50 नियो में मिलने वाला है। बात करते हैं इसकी बैटरी की। मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको 5000mAh का बैटरी और 68W का चार्जर इसके बॉक्स में आपको मिलने वाला है, बट मोटो एज 50 नियो में आपको 4310mAh का बैटरी और 68W का चार्जर इसके बॉक्स में भी आपको मिलने वाला है और 15W का वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, बैटरी बड़ा चाहिए, तो डेफिनेटली मोटो एज 50 फ्यूजन में ही आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। दोनों स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मोटो एज 50 नियो में आपको 16 5G बैंड का सपोर्ट और फ्यूजन में आपको 12 5G बैंड का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जो चीज मुझे अच्छी लगी, दोनों स्मार्टफोन में आपको IP68 की रेटिंग भी यहाँ देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको स्नैपड्रैगन 7H Gen 2 देखने को मिलता है और यहाँ पे 5,60,000 के करीब अंतु स्कोर देखने को मिलेगा और मोटो एज 50 नियो में आपको मीडियाटेक डेंसिटी 7300 देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 6.5 लाख के करीब अंतु स्कोर देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में आपको सिमिलर सा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन गेमिंग को यहाँ पे टारगेट नहीं करते, बट स्टिल अगर आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। जो आपको मोटो एज 50 नियो में फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बट अगर आप नॉर्मल यूजर है और कैजुअल गेमिंग करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन में आप कर पाएंगे। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे अपडेट में मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको 3+4 ईयर का अपडेट और यहाँ पे आपको 5 ईयर का मेजर अपडेट और 5 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट मोटो एज 50 नियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा LPDDR4X RAM टाइप, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है, बट अपडेट वगैरह में थोड़ा मोटोरोला पीछे रह जाता है, तो उसपे यहाँ पे मोटोरोला का डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। बात करते हैं इसके कैमराज की। मोटो एज 50 नियो में आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, अदरवाइज दोनों में आपको सिमिलर से ही यहाँ पे कैमरा देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी LYT 700C दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा और OIS का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी आपको देखने को मिलेगा जो कि मैक्रो कैमरा का भी यहाँ पे काम करता है। तो जो मेन कैमरा है और अल्ट्रा वाइड कैमरा है दोनों में आपको सेम मिलने वाला है, बट मोटो एज 50 नियो में आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा एडिशनल यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा और वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पे सभी लेंस से, चाहे आप टेलीफोटो से करो या फिर आप फ्रंट कैमरे से, रियर कैमरा से, सभी से आप 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है दोनों स्मार्टफोन में। अब हम बात कर लेते हैं फोटोज की, इसमें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता देता हूँ, जो मेन कैमरा है और अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको सेम मिलने वाला है
जो टेलीफोटो कैमरा मोटो H50 नियो में मिलने वाला है उसका आपको जरूर से यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, और पोर्ट्रेट शॉट भी यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलेंगे, और कलर वगैरह भी थोड़े से यहाँ पे ज्यादा बूस्ट करता है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा कलर बूस्ट वाला कैमरा चाहिए, सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटो चाहिए, तो मोटो H50 नियो में आपको देखने को मिलेगी। और सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूं तो सेल्फी कैमरा में भी आपको दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट मोटो H50 नियो में आपको थोड़ा कलर बूस्ट करता है, तो उस चीज को आप जरूर से कंसिडर कीजिएगा। वैसे अच्छी लगती है फोटो, बट ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको ज्यादा कलर बूस्ट वाली फोटो चाहिए या फिर थोड़ी सी आपको क्लोज टू नेचुरल वाला कैमरा चाहिए। वैसे दोनों स्मार्टफोन में कलर बूस्ट करता है, मोटोरोला के सभी कैमरा में आपको कलर बूस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। प्राइस तो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाला है, डिस्प्ले आपको बेटर चाहिए मोटो H50 नियो में मिलने वाला है, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली मोटो H50 फ्यूजन में आपको मिलने वाला है। अगर आप हैवी यूजर हैं तो मोटो H50 नियो को बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा। बैटरी बैकअप आपको ठीक ठाक ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 4310 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलने वाला है और वहां पे आपको 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है। परफॉर्मेंस में भी आपको सिमिलर सा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, बट अगर आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो फ्लैट डिस्प्ले में आपको बेटर यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और कैमरे की अगर बात करूं तो कोई डाउट ही नहीं, यहाँ पे मोटो H50 नियो में आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बैटरी को अगर मैं साइड में रख दूं तो मोटो H50 नियो में आपको सब कुछ यहाँ पे बेटर ही मिलने वाला है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर से जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। काफी लोग आते हैं वीडियो देखते हैं अच्छा भी लगता है बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा।